गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग प्रेस का सामने में इसलिए आया है ताकि हम लोग अपडेट कर सके। ये APPSC फियास्को का में हम लोग ने पेन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी बनाया था लास्ट मीटिंग 16 नवंबर में, जब हम लोग IG पार्क में क्यूमुलेटिवली सब एक्सपीरियंस लोग मिला था, तब हम लोग ने ये कमेटी का उद्घाटन किया था ना, पेन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी विच हैज़ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एवरी एग्जाम, सब एग्जाम से रिप्रेजेंटेटिव है। आपको इस फियास्को में हम लोग एज अ कमिटी हम लोग क्या आगे क्या अपटेक कर रहे हैं इशू को, उस पर अपडेट दे दिया है। तो बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल इशू फॉर द स्टेट ना, दिस इशू विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट मी, अबाउट अस कि हम लोग को एग्जाम देने नहीं मिला है, हम लोग मेंस में नहीं लिख पाया है। दिस इज अबाउट एवरीबडी, एवरी वन ऑफ अस, आप लोग के लिए भी है, आप लोगों को भाई लोग के लिए भी है, सब लोग के लिए, हमारा फ्यूचर जनरेशन लोग के लिए, सब लोग के लिए। दिस टाइम ये अगर ये इशू जो है अच्छी तरह से हैंडल नहीं होगा और फेयर एंड तक नहीं आएगा तो ये कभी रिजॉल्व नहीं होगा ये इशू। और राइट, तो अभी आपको अपडेट इस बात पर देना है कि लास्ट इवनिंग मीन्स यस्टरडे ऑन द 25th of November वी हैड अ मीटिंग, एक कंक्लूसिव कंप्रहेंसिव डिबेटेबल वाला मीटिंग हुआ था हम लोग का अपसू और अंशु का साथ। ठीक है, उधर से रिप्रेजेंटेटिव्स आया था, अपसू से आया था द जनरल सेक्रेटरी एंड फ्रॉम द अंशू द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो उस पर हम लोग ने अपना जॉइंट रेजोल्यूशन डिमांड्स दिया है, दे आर 13 डिमांड्स बिकॉज दे आर द एपेक्स बॉडी। हम लोग चाहता है कि ये लोग हम लोग के इशू को टेकअप करें, इनका सपोर्ट से हम लोग का ये इशू जो और ज़्यादा मोमेंटम गेन करेगा, दिस इज़ वेरी क्रूशियल। तो अभी ये 13 पॉइंट्स जो हम लोग ने जॉइंट रेजोल्यूशन या फिर डिमांड्स दिया है बाय द पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, उसका अभी पॉइंट्स को ब्रीफ करेगा मेरा फ्रेंड। यहाँ पे हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग 13 क्लॉजेस बनाए हैं, तो आई विल रीड वन बाई वन, हम रीड आउट कर देगा। फर्स्टली, इमीडिएट अरेस्ट ऑफ चेयरमैन निपो नाबोम, सेक्रेटरी श्री जयंता कुमार रे, जॉइंट सेक्रेटरी सूरज गुरुंग, जॉइंट सेक्रेटरी नीमा तोंगरंग, डिप्यूटी सेक्रेटरी बाते कोयू एंड मेंबर्स श्री सेरिंग नक्सांग, मेजर जनरल जार्कन गमलिन, मिस मपुंग तादार बागे एंड मेजर जनरल GS बिस्ट। ये पॉइंट को हम लोग क्यों रखा है बोलने से, आप लोग सबको पता है फियास्को 2017 में भी हुआ, 2014 में भी हुआ, उसका बेसिस में हम लोग इसको रख रहा है। और उस समय में भी चेयरमैन हम लोग का मेंबर 2017 का था, 2017 का जो स्कैंडल हुआ उसके हिसाब से चेयरमैन जो है हम लोग का निपो नाबोम सर था। उसके बाद 2014 को जब इसका फियास्को हुआ था उसका मेंबर रहा है वो, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहा है कि हम लोग का ये जो चेयरमैन है उसको उसका बेसिस में सबको जो अंदर आता है उसका साथ में सबको अरेस्ट करना है, इंटरोगेशन करना है बोल के हम लोग का ये डिमांड है। और सेकेंडली, अगर आए तो हम लोग ED एंड कोर्ट मोनिटर proof must be immediately initiated and also the immediate seizure of the properties, assets of all the arrested accused till the completion of investigation process। तो हम लोग यहाँ पे ED का मांग किया है। ED का मांग और कोर्ट मॉनिटर का क्यों किया है बोलने से, अब लोग सबको पता है कि ED अगर नहीं होने से हम लोग इस बारे में हम लोग को कुछ वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ताकत जरंगा जितना प्रॉपर्टीज है उसको ED का थ्रू सीज कर सकता है। अगर ED का थ्रू सीज कर सकता है तब जाके हम लोग को और चीज़ और इंक्वायरी इसका बेसिस में मिलेगा कि ये फियास्को में कितना और स्कैंडल बचा हुआ है और कितना और स्कैंडल है, इसका बेसिस में हम लोग ED और कोर्ट मॉनिटर को हम लोग डिमांड कर रहा है। एंड देन थर्ड इज इंटीमेट terminations of accused state government officials involved in paper leakage, malpractices from 2014 till date for free, fair and transparent investigations। यहाँ में थर्ड नंबर भी हम लोग रखा गया है कि इमीडिएट जो टर्मिनेशन एक्यूज होगा उसको जो इमीडिएट जो पेपर लीकेज में इन्वॉल्व है उसको डायरेक्टली टर्मिनेशन करना है बोल के हम लोग मांग किया गया है। एंड देन फोर्थ, impartial registrations of complaints and investigations of all the examinations conducted by APSC and all the incumbent members, officials and staff of the commissions from 2014 to till then, the senior officials above the rank of Takat Jerang and then deputy controller of examinations must be arrested and dismissed from their respective jobs। तो यहाँ पर हम लोग कोर्ट नंबर में हम लोग इन्वेस्टिगेशन को और जोरदार से हम लोग मांग कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अगर घर पे चोर आता है, घर पे कुछ सामान अगर गायब हो जाता है तो सबको शक करना पड़ता है। इसलिए हम लोग चाहता है कि ये केस जो सिर्फ ताकत जरा का साथ में सिर्फ नहीं होना चाहिए, ये केस और डीप रूटेड जाना चाहिए, क्योंकि अगर ताकत जरा का सामने अगर इतना स्कैंडल हुआ गया है तो और भी बहुत कुछ होने वाला है और हुआ है बोल के हम लोग को यकीन है। एंड देन यहाँ पर फाइव नंबर में अभी हम जाएंगे। फाइव नंबर इज
any examinations conducted by the Arunachal Pradesh Public Service Commission, if found to have any kind of malpractices like paper leakage and other corrupt practices, even a single instant, must be immediately declared null and void, and the same time must be reconducted. फाइव नंबर में हम लोग का ये जो है यहाँ पे हम लोग मांग किया है कि एग्जामिनेशन अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का अंदर जो भी एक भी अगर उसमें माल प्रैक्टिसेस या पेपर लीकेज का आता है तो इसको नल एंड वॉइड करना चाहिए बोल के हम लोग मांग किया गया है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है 2017 फियास्को में क्या हुआ था, उसका फाइव ईयर्स के बाद अब ये रिजल्ट आया है कि मिनोती बोरांग अपेट मुबांग उसका जो है खुलासा हुआ है, तो उसका बेसिस में जितना भी हम लोग चाहता है कि जितना भी एग्जाम का अंदर गया जाता है और एग्जाम कंडक्ट हुआ है, अगर उसमें एक भी अगर पेपर लीकेज या माल प्रैक्टिसेस का प्रोसेस हुआ है तो उसको नल एंड वॉइड करना चाहिए और रिकंडक्ट करना चाहिए. एंड देन नो एग्जामिनेशन टू बी सिक्स में आएगा, नो एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड टिल द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इन एंटायरली एंड फुलफिलमेंट ऑफ अदर डिमांड्स. सिक्स नंबर में हम लोग ये डिमांड किए कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग कोई कुछ भी एग्जाम गवर्नमेंट का तरफ से या कुछ भी एग्जाम कमीशन का तरफ से नहीं होना चाहिए, हम लोग ये डिमांड करता है. क्योंकि अगर जब तक ये एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा तब तक कभी भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक कभी भी एग्जाम कोई भी फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन कभी नहीं होगा. इसलिए हम लोग का ये मांग है कि ये एग्जाम जो अभी वो लोग बोल रहे हैं कि देगा नहीं देगा, मतलब देना चाहिए बोल के जो कर रहा है, ये एग्जाम लोग को भी डायरेक्ट हम लोग अभी डिमांड कर रहे हैं कि ये एग्जाम नहीं देना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता. एंड देन सेकेंड पॉइंट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो SOP मस्ट बी prepare with the participation of at least two aspirants. ये SOP को हम लोग क्यों यहाँ पर मांग किया है बोले से, SOP जो है पहले से आप लोग पता है 2014 में भी फियास्को हुआ, 2017 में भी इसका गंडगोल हुआ, फियास्को हुआ, एंड देन अभी देखो 2022 में भी पेपर लीकेज का हो रहा है. सो इसमें अगर देखा जाए तो उसमें भी SOP था, उस अभी भी SOP है, लेकिन उसका SOP का कुछ कारण, उसका अच्छा कारण नहीं करक वजह से हम लोग जो है इसका एक्सपीरियंस जो है हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग भी होना चाहिए. जब SOP न्यू SOP अगर ग्रांट करता है तो वो लोग खुद नहीं बनाना चाहिए, हम लोग का मेंबर्स को भी डालना चाहिए बोल के हम लोग डिमांड करता है. एंड देन एट नंबर इज जस्टिस फॉर मोदांग याब्यांग PWD deprived कैंडिडेट्स इन द स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी सेक्शन क्राइटेरिया. मोदांग याब्यांग जो कि 2022 में पॉलिटेक्निक में एक लेक्चरर का पोस्ट दिया था, जो ऑलरेडी डिप्राइव कैंडिडेट्स है वो 2018 से लेकर अभी तक, उसको भी ये सेक्शन में उसको PW का बेसिस में नहीं दिया गया है, जबकि एक ही पोस्ट था और PW का उसमें क्राइटेरिया भी है, सेक्शन भी है, लेकिन भी उसको नहीं दिया गया है. तो हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों नहीं दिया गया है, अगर इतना ही उसका सेक्शन में क्राइटेरिया बना गया है PWD का तो क्यों नहीं दिया है, उसको हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको भी जस्टिस मिलना है बोल के. एंड देन नाइन नंबर हम लोग का यही है कि व्हिस्टल ब्लोअर एक्ट मस्ट बी ब्रॉट एंड इम्प्लीमेंटेड विद 1 month प्रोवाइडिंग बोथ प्रोटेक्शंस एंड रिवॉर्ड्स फॉर एनी व्हिस्टल ब्लोअर इन द स्टेट. हमारे स्टेट में जो भी व्हिस्टल ब्लोअर होगा उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जैसे कि ग्यामर पादंग हम लोग हमारे स्टेट का अभी व्हिस्टल ब्लोअर रहा है, तो उसका बेसिस में अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है. कल को अगर कोई व्हिस्टल ब्लोअर आना भी चाहेगा तो वो एकदम हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बोल लेगा स्कैंडल का बारे या माल प्रैक्टिस का बारे, तब उसको हेजिटेट नहीं होना चाहिए, उसका गवर्नमेंट का तरफ से उसका वो प्रोसीड्यूर का तरफ से उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए बोल के हम लोग मांग कर रहा है. एंड देन 10th नंबर इज अनटिल एंड अनलेस all the aforementioned demands are fulfilled, strictly no examinations are to be conducted by APSC. If any examination is to be conducted due to any reason, then the Union Public Service Commission must be endorsed for the same. So, 10th number mein hum log yahi demand kar rahe hai ki APSC kuch bhi ab examination conduct nahi karna chahiye. Lekin agar वो लोग examination conduct ही करना चाहिए बोले से उन लोगों को UPSC endorse करना पड़ेगा, क्योंकि UPSC एंडोर्स क्यों करना पड़ेगा बोले से, आर्टिकल 315 क्लॉज 4 में लिखा गया है कि अगर स्टेट में अगर कुछ भी गंडगोल होता है, स्टेट से नहीं होता है, तो UPSC उसको एंडोर्स कर सकता है बोल के लिखा गया है, इसलिए हम लोग इसका मांग कर रहा है. एंड देन हम लोग देखा जाएगा अभी 11 नंबर में लिखा गया है कि टू पब्लिश द 3 मेंबर्स IAS कमिटी रिपोर्ट और ऑफ APSC ई सिविल पेपर लीकेज इश्यू. यहाँ पे जब पेपर लीकेज हुआ था फर्स्ट, उसके बाद हमारे ऑनरेबल CM ने
यहाँ पे रिपोर्ट कमिटी रिपोर्ट बनाया है बोल के बोला था, तो उसका अभी तक उसका कोई प्रॉपरली पब्लिक को नहीं दे रहा है कि क्या हुआ है सीएम जो उसका फाइंडिंग्स क्या है, उसका अभी तक कहाँ में पहुँचा है उसको अभी तक नहीं दिया गया है, तो इसको भी हम लोग मांग कर रहा है। एंड देन 12 इज इमीडिएट रिकॉल द 3 स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्टेड अंडर APSA। जो अभी हम लोग का सीएम सर ने जो APSA के लिए जो अभी न्यू रिक्रूटमेंट किया है डिप्यूटी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी, उसका बेसिस से हम लोग बोलना चाहेगा कि अगर एग्जाम कंडक्ट करना ही है तो आप लोग एंडोर्स UPSC को एंडोर्स कीजिए, और अगर ये अगर तीनों को मेंबर्स बनाया है APSA का मेंबर्स बनाया है तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट उसका एसेट्स क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो हम लोग को जानने का हक है, इसलिए हम लोग इसको मांग कर रहा है। एंड देन 13 नंबर इज इफ द गवर्नमेंट एंड द कमीशन adamantly decide to go ahead with any examination process without fulfilling the aforementioned demands, then each aggrieved candidate of any examination till that affected due to any differences, malpractices, corrupt practices, etc. on the part of government official of the APSA, any person associated with the examination process or any person involved must be financially compensated with some ₹5 lakhs. Further, each candidate should be compensated a sum of ₹5 lakhs for any examination to be conducted in future. If the respective examination is found to have malpractices and corrupt practices such as paper leakage at the latter stage. यहाँ पे हम लोग 13 नंबर पे क्यों रखा गया है बोले से, आप लोगों को भी सब पता है जब एग्जाम देता है तो डिप्राइव स्टूडेंट वो लोग सब पता होगा, जब एग्जाम देता है तो दिन रात पढ़ना पड़ता है, अपना बर्निंग विथ ऑयल को हम लोग यहाँ पे लगा देता है, तो वो बर्निंग विथ ऑयल को हम लोग को गवर्नमेंट हम लोग को एग्जाम ही करना है, एग्जाम अगर फ्यूचर में करना है वहाँ से कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, एक इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा 5 लैक्स का, हम लोग ये डिमांड कर रहा है। और अगर करेगा भी बोलने से हर स्टूडेंट का जो पहले एग्जाम हुआ था वो डिप्राइव कैंडिडेट्स का एनर्जी जो लेवल है जो एनर्जी गया एनर्जी का लेवल से वो पढ़ा है अपना दिन रात मेहनत किया है उसको भी अब 5 लैक्स देना है बोल के हम लोग डिमांड कर रहा है। और यही तो हम लोग का 13 क्लॉजेस जो आप लोग का सामने हम लोग रखा गया है। एंड विद दिस हम अभी लास्ट में मेरा कलीग्स को बोलेगा कि फर्दर मोर ही विल से। तो पहले इनका है हम लोग फर्स्ट डिमांड था इन्वेस्टिगेशन नाबम डिपो एंड सिक्योरिटी जयंता कुमार राय। देखिए इसको इसलिए स्ट्रॉन्गली हम लोग डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि जरंग के अंदर में जितना हायर हायरार्की लेवल था वो उन लोग ही था, उन लोग ही है, और अगर उनको अगर जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, सबूत प्रूफ नहीं मिलेगा, एविडेंस नहीं मिलेगा, तो हम लोग का फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है, यह तो गारंटी हम देते हैं। अगर हम उन लोगों का लेवल हायरार्की को अगर उसका एविडेंस जज करेगा कसम से और चैनलाइज भी पकड़ने जा रहा है। तो सबसे पहले हमारा इफेक्टिव पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले हमको उसको पकड़ना है, नाबम निपो और चल जो भी उसका मेंबर के अंदर सबसे प्रेजेंट है सबसे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन और हैरेस कर करके पता लगाना ये हमारा मांग है। अगर ये नहीं होता तो हमारा मांग जो कुछ जितना हमने पॉइंट रखा बेकार है। अगर ये पॉइंट हमारा सबसे पहले वन सबसे पहले क्लियर हुआ यानी कि हमारा जितना भी पॉइंट होगा वो एश्योरेंस ही होगा श्योर, यानी कि अगर बड़ा मछली को अगर अभी तक नहीं पकड़ा है तो चौथा मछली को हम खा के क्या करेगा, चौथा मछली को डाइजेस्ट होगा हमारा, बड़ा मछली खाने से हमारा डाइजेस्ट होगा। तो लाइक दे जो हमारा हायर की लेवल सर जो कमिश्नर है उसको सबसे पहले पकड़ना होगा हमारा ये मांग पूरा सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरा पार्ट है नलिन बॉयड का बात, नलिन बॉयड हमारे बेसिक जस्टिस है, यही तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जितना भी 3 महीना 4 महीना क्यों लगा रहे हैं इसी के लिए तो हम कर रहे हैं नलिन बॉयड, यही तो हमारे बेसिक जस्टिस है। तो मैं अभी गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, अभी सोचने का वक्त नहीं है, कुछ भी करने का वक्त नहीं है, सीधा नलिन बॉयड कर दो, ये हमारा डायरेक्ट एक्शन में आ जाना है, सोचने का समय ना सीधे एक्शन में आ जाओ, नलिन बॉयड कर दो, क्योंकि यहाँ में ऑलरेडी माल प्रैक्टिस पाया जा रहा है, तो क्यों देर किस बात का, सीधा नलिन बॉयड कर दो, यही अगर नलिन बॉयड किया तो हमारा 50% का जितना डिमांड है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तीसरा मैं और बता दूँ जर्किन गवर्नमेंट जिसके APSA के अंदर में जितना बड़ा कमिश्नर मेंबर है उसका कितन किन पोसी गवर्नमेंट एज ए ब्रोकर में पाया गया है, तो कैसे नहीं होगा ये, कैसे उसमें पेपर लीकेज कैसे नहीं बन पाए, ये भी तो क्वेश्चन है, ये भी एक सवाल से उस मेंबर से, तो उसका भी पर्दाफाश करना है, इन्वेस्टिगेशन चलना है और उसका एविडेंस भी पता करना बहुत जरूरी है, ये मेरा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है हमारा क्या है, जो कल 25 नवंबर तो हमारा अफसू और अंशु का हमने मेमोरेंडम सबमिट किया था, तो जितना यहाँ में मेरा कलीग्स ने जितना हाईलाइट किया है पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स के बेसिस में अगर
अगर हमारा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एश्योरेंस नहीं मिलता है, यानी कि कुछ आउटकम नहीं मिलता है, तो हमारा जितना भी ये तो स्टेट का केस है, नॉट ओनली फॉर आवर स्टूडेंट्स, नॉट फॉर ओनली एक्सपीरियंस, ये पूरा स्टेट का केसेस है। मैं सबसे पेरेंट्स, गार्डियंस, जितने भी लोग हैं, प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। अगर हमारा गवर्नमेंट हमारा जो डिमांड है रिजोल्यूशन अगर पास नहीं करता है, कुछ एश्योरेंस नहीं करता है, तो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने जा रहा है। तो सभी से उसी समय में सभी को स्थित के जितने भी पर्सन से जितने अधिपान अरुणाचल सब मिलके हम लोग एकजुट करके डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, ये सीधा होना चाहिए। विद इन दिस नवंबर 30 के अंदर में अगर अंशु अपशु के हम जो मेमोरेंडम हमने कल सबमिट किया था, यानी कि 25 नवंबर में, तो अगर पूरा एश्योरेंस रेजोल्यूशन आउटकम नहीं निकलता है, तो हमारा मुद्दा कुछ और ही होगा। और आपको तो पता है, अगर मुद्दा कुछ और मतलब आपका नतीजा बुरा ही होगा। तो ये हमारा मांग है, तो यही हमारा 14वां। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारा विसल ब्लोअर है, जो हमारे ग्यामर पादंग है, जो कि हमारा जितना भी पान अरुणाचल की तरफ से जितने भी कंट्रीब्यूशंस आया है अभी तक, तो बहुत मतलब बहुत अप्रिशिएट करता है कि आप लोग इतना साथ दिया। अभी तक आपको 20 लाख कुछ इसको अबव आया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ग्यामर पादंग 1 करोड़ कितना मिलियन उसका डिजर्व करता है, तो ये 30 लाख तो कुछ नहीं है ना। ये 30 लाख तो हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग अरुणाचल के इतना भी सेंस नहीं है क्या? अगर आज का जो इश्यू है किसका कारण है, ग्यामर पादंग का कारण से हम ये स्टैंड ले पा रहे हैं, ये किसका कारण? अगर वो 1 करोड़ में बिकने का डिजर्व करता है, तो ये 30 लाख तो कुछ नहीं है ना, हम लोग दे सकते हैं। ये 30 लोग जितने भी जानता है अरुणाचल जितने स्टेट पर्सन है, सिटीजन शिप है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन शिप है, वो प्लीज़ आप लोग, ये हमारा ग्यामर पादंग हीरो के लिए प्लीज़ आप लोग आगे बढ़िए, कंट्रीब्यूशन करिए, जितने भी जितना जल्दी सकेगा कंट्रीब्यूशन कर दिया। बहुत स्ट्रेस करने वाला पॉइंट ये है कि हम लोग SIC से रिक्वेस्ट करता है, बिकॉज SIC इन्वेस्टिगेटिंग, CBI बुलाया है, SIC बुलाया गया है, ठीक है, लेकिन CBI इज नॉट एक्सेसिबल टू अस, ठीक है। उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो डिफरेंट होता है, बट SIC इज, वी कैन गो टू द डोर्स ऑफ SIC, वी कैन नॉक द डोर्स एंड वी कैन आस्क क्वेश्चंस, इनपुट दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो SIC से हम रिक्वेस्ट करता है, अभी तक बहुत कोऑपरेटिव रहा है, हम लोग जाता है अपना केसेस को फॉलो अप करने जाता है, अपना FIR जो रेस्पेक्टिव एग्जाम्स को अपना FIR दिया है, इस पर हम SIC को रिक्वेस्ट करता है और स्ट्रेस करता है कि देर कैन नॉट बी, ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता है कि देर वॉज एन आर्टिकल विच रोड की ताके जेरंग इज द किंग पिन ऑफ दिस होल फियास्को, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हाउ कैन ताके जेरंग बी द किंग पिन ऑफ दिस फियास्को? और रिसेंटली हम देखा था ये कमीशन का जब AE पेपर लीकेज के उन लोगों ने फर्स्ट प्रेस ब्रीफिंग किया था, बोला कि एकदम हिस्टोरिक मोमेंट है, पहली बार वो लोग आया है, उसमें उन लोग ने बोला था कि ये ताकेत जेरांग जो डेप्यूटी कंट्रोलर था एग्जामिनेशन का, उसका तो ही वॉज नॉट इवन असाइन द रोल कि वो AE वाला एग्जाम को करना है। तो अगर आपका, आप बोलता है देर इज अ प्रोसेस, देर आर पीपल है, प्रोसेस है, बोलते हैं क्या प्रोसेस है आपका, क्या SOP है कि जिसको एग्जाम असाइन ही नहीं हुआ है वो एग्जाम पेपर लीकेज कर रहा है, वो ब्रोकर बन के घूम रहा है? तो हम SIC को स्ट्रेस करना चाहेगा कि दिस कैन नॉट बी द केस की ताकि जेरांग ही सिर्फ इन्वॉल्व है और उससे हायर आप कोई नहीं। आई एम स्ट्रेसिंग ऑन SIC और आप सब लोग को भी, जितना सारा लॉजिकल सिटीजन ऑफ अरुणाचल से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग भी ये समझना है कि देर है, उसके ऊपर है निपो नाबम द चेयरमैन, द फॉर्मर चेयरमैन, ही वॉज ऑल्सो द मेंबर बिफोर ही वॉज द चेयरमैन, इन पे, और जयंत कुमार जो कि सेक्रेटरी था, जयंत कुमार राय, इन दोनों पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आप जो करिए, हम लोग को नहीं पता, इसको अरेस्ट करना है, इन लोगों को बुलाइए, आप पुलिस कस्टडी में लीजिए, क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद और एक पॉइंट स्ट्रेस करना चाहेगा, और देवर बहुत सारा ऐसा डिस्कशन भी हो रहा है नल एंड वॉइड वाला इश्यू पे, बहुत सारा डिस्कशन भी हो रहा है फेसबुक पे, जब भी हम लोग बोलता है तो आदमी लोग लिखता है कि हम लोग तो बाकी लोग जेन्युइन कैंडिडेट्स है वगैरह वगैरह। तो देखो, इस पे हम ये स्ट्रेस करना चाहेगा कि ऐसा कैसा पॉसिबल है कि 2017 में पेपर लीकेज होता है, ठीक है, अब टाइमलाइन को समझिए, 2017 में पेपर लीकेज होता है, फिर 2021 का AE में पेपर लीकेज होता है, और AE वाला पता चलता है कि एक्चुअली वो पेपर तो AE के लिए भी नहीं था, वो JE के लिए ट्रांजेक्शन हुआ था जिसने, और जो कि अभी AE में डिस्क्लोज हुआ है, ठीक है ना। तो आप समझिए, देखो टाइमलाइन को, 2017 में होता है, फिर JE का एग्जाम में होता है, JE का एग्जाम में वो बच्चा पेपर मिलने के बाद भी पास नहीं कर पाता है, मतलब कि ये क्या, ये इसका क्रेडिबिलिटी क्या है, कमीशन का क्रेडिबिलिटी क्या है, क्वेश्चन करता है हम लोग। उसके बाद फिर 2021 में AE का पेपर होता है, तो इस ड्यूरेशन से पहले भी क्या गारंटी है कि पेपर लीकेजेस नहीं हुआ है? आई एम सेइंग कि हुआ है पेपर लीकेजेस, हर कंसेक्यूटिव एग्जाम में हुआ है, एवरी एग्जाम जो भी कमीशन एग्जाम कराते हैं सब में हुआ है,
बिकॉज वी हैव रिक्वेस्ट किया है 2015 से इन्वेस्टिगेट करना है. हम बोलते हैं हर एग्जाम में हुआ है, हर एग्जाम में. वी आर ऑल वेरी कन्विंस, सब लोग कन्विंस है. इवन अरुणाचल का कोई भी अब लॉजिकली रैशनल अब ह्यूमन बींग होगा तो आप भी कन्विंस रहना होगा कि 20 एग्जाम सब एग्जाम में रेस्पेक्टिव एग्जाम में लीकेज हुआ है. नल एंड वॉइड पे हम बहुत स्ट्रेस करना चाहिएगा ये बात को. नल एंड वॉइड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन से अभी क्वेश्चन आ रहे हैं कि नल एंड वॉइड क्यों होगा एग्जाम, क्यों होना चाहिए, देर वॉज जेन्युइन कैंडिडेट्स. तो क्या हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट्स नहीं था? आई ऑल्सो गेव द एपीपी कंबाइंड कंपिटेटिव एग्जाम 2020, आई ऑल्सो सेट फॉर प्रीलिम्स, आई ऑल्सो गेव द मेंस. लेकिन क्या ये लोग कभी कभी गाइडलाइंस में बोलता है कि ये गाइडलाइंस था, ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुआ. आपका गाइडलाइंस में एनोमलीज होता है, आप अपना गाइडलाइंस में क्लियर नहीं है और अपना पेपर लीकेजेस करता है, माल प्रैक्टिसेस होता है, तो आपका कमीशन का क्रेडिबिलिटी क्या है वो बोल रहा है. आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलता है, आपका क्या क्रेडिबिलिटी? आपका एसओपी ऐसा थर्ड लेवल वाला एसओपी बना कर रखा है आप, जो कि कोई भी कहीं पे भी घुस रहा है, कोई भी ब्रोकर बन रहा है, ठीक है, ये वाला बात. और दूसरा बात है कि सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन अ जजमेंट इन 2022 रिगार्डिंग द मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है. उसका 2016 में देयर वाज दिस जॉब स्कैम वाला केस था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला है कि वो पूरा स्क्रैप होना है, मेंस का एग्जाम वापस लिखेगा, ठीक है. तो ये वाला चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है, देर इज ऑलरेडी ए जजमेंट ऑन दिस, तो ये हमारा केस में क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? एवरी एग्जाम हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, एवरी एग्जाम. ये पूरा एग्जाम का सेंक्टिटी, कमीशन का सेंक्टिटी ही कॉम्प्रोमाइज है. दूसरा बात ये आप समझना चाहिए कि जो एग्जाम क्लियर किया है और जो अभी हम लोग यहाँ बैठ के जो कर रहा है, ये कमीशन का एनोमलीज का बाय प्रोडक्ट है हम, ठीक है. और अगर ये एग्जाम नल एंड वॉइड नहीं होता है, सबको फेयर चांस नहीं मिलता है वापस एग्जाम देने में, तो ये हम लोग का आर्टिकल फंडामेंटल राइट अंदर आर्टिकल 16 एस में वायलेट है, ठीक है. वी आर नॉट गिवन द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अरे हम लोग का फंडामेंटल राइट बोलते हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है. तो कोई पेपर लिख रहा है, कोई पेपर लीकेज कर रहा है, कोई गाइडलाइंस आप बोल रहा है कि अभी गाइडलाइंस देता है, यूपीएससी का गाइडलाइंस फॉलो करेगा, फिर बोलता है कि नहीं ये तो वो हो गया, वो गड़बड़ हो गया, ये क्या बात है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा. उसके बाद क्या आप बोल रहे हैं क्या कि जो लोग अभी पोस्ट पर बैठा हुआ है वो लोग ही सिर्फ देवर ओनली एंटाइटल टू दिस पोस्ट. वी ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स हूएवर अप्लाइज फॉर द एग्जाम इज इक्वली एंटाइटल टू दिस, इक्वली एंटाइटल टू द एवरी पोस्ट एंड ऑल ऑफ दैट. चीज़ ये है कि एस आई सी इज ए इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ना, तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है सीएम को, द होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना पड़ता है. तो ऑब्वियसली कुछ प्रेशर्स होगा, एवरीबडी नोज दिस, कोई भी लॉजिकल आदमी को समझ में आएगा कि उस पर प्रेशर